हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा क्लास जो था कुछ कारण की वजह से कुछ दुनिया से बंद था, ठीक है। तो आज से हमारा क्लास रेगुलर चलेगा, जो कि आज जो है 2022 का पहला दिन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं, वे लोग तैयार हो जाए पढ़ने के लिए। तो आज का हमारा जो चैप्टर चलेगा जो है कि फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है ना। जैसे कि मैं दो चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम मेथड से। इसका जो मेथड होगा एकदम जीरो लेवल से होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सवाल पर। यानी देखिए, देख फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ क्या है? फ्रैक्शन यानी भिन्न के प्रकार। तो इसमें पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऐसे इसे उचित भिन्न को कैसे जानते हैं, यानी ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या होता है, छोटा होता है। हर से क्या होता है, अंश छोटा होता है। जैसे 2/3 है तो क्या है, छोटा है कि नहीं। तो यह क्या है, हमारा उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद यह है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब विषम भिन्न। इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, विषम भिन्न। तो ऐसा भिन्न, जैसे इसमें लिखा है कि कोई ऐसा भिन्न, जैसे इसमें इसका अंश से क्या होता है, अंश से छोटा होता है, यानी इससे अर्थ क्या होता है, अंश छोटा होता है। तो इसी तरह है इसमें भी, यानी इसका क्या होता है, इसमें होता है कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से क्या होता है, बड़ा। अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अंश हर से क्या होता है, बड़ा होता है। अंश हर से जैसे 4/3 हो गया, तो क्या है, अंश हर से क्या है, बड़ा है। अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद है मिक्स और कंबाइंड फ्रैक्शन। मिक्स और कंबाइंड फ्रैक्शन, जैसे इसमें मिक्स और कंबाइनेड फ्रैक्शन जैसे होता है 2 सही 1/2, ठीक है, 2 सही 3/2, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मिक्स फ्रैक्शन यानी कंबाइंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मिक्स एंड कंबाइंड फ्रैक्शन, जैसे मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसे करके मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताऊंगा कि आप लोग पूरा पूरा समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे। तो ये देखते हैं, जैसे है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका अंश जो होता है एक होता है, वो उसे बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यानी इकाई इकाई भिन्न बोलते हैं। इसका मतलब होता है इकाई। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब इकाई भिन्न। तो उसे जैसे इकाई भिन्न जिसका अंश एक होता है और उसे बोलते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/4, 1/3, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3, ठीक है ना। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3, ठीक है। ये सब क्या है, जैसे इसका जो इसमें पूछा था कि जो हर अंश से क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें पूछा था हर अंश से, अरे हाँ, हर अंश से क्या होता है, नहीं सॉरी, अंश हर से छोटा होता है। अंश जो होता है हर से छोटा होता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मुझे उम्मीद होगा कि समझ में, अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।